पंचमी देना देना शुरू कर दिए। तो अब सपोज करिए किसी से प्यार करते हैं और वो बहुत दुखी है, किसी और चीज को दुख के लेके, अब उस दुख को ये खत्म नहीं कर सकते, दुख को, हैप्पीनेस को या एंग्रीपन को, गुस्से को शिफ्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कि अब ये दुखी है, एकदम पूरे दुख में है, ऐसा इनको ख्याल आ रहा है मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है, न पैसा है, न पावर है, न दौलत है, कुछ नहीं है, और जो मेरी चाहने वाली थी वो भी गई। लेकिन वही स्थिति में इनकी जो चाहने वाली है वो बढ़िया लिपस्टिक लगा के और बढ़िया फर्स्ट क्लास का जीरो फिगर की स्थिति में इनके सामने आ जाएगी। अब आप बताओ ये दुखी रहेंगे? अब इनका दुख जो है वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इनका दुख क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब इनको लगा कि जिंदगी से अनमोल कोई चीज है ही नहीं। या जनो क्यों? क्योंकि इनका जो दुख था, जो पेन था, जो प्रॉब्लम थी, जो अभाव था, जो ये डिप्रेशन में थे, वो किसमें बदल गया? हैप्पीनेस में। तो एक दुख किसमें शिफ्ट हो गया? हैप्पीनेस में। जीने की चाह बढ़ गई। तो जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी आप अपने जीवन में स्थिति अच्छी ना हो, तो आप समझ लीजिए आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? जोर से बोलिए, शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और आप प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो जो आप स्थिति में है वही स्थिति और बड़ी हो जाएगी। तो आज से इसीलिए लोग बोलते हैं, जब किसी को दुख होता है बोलते कहीं घूमने चले जाओ, जब दुख होता है तो लोग बोलते हैं कुछ ड्राइंग करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, किसी से मिलो, किसी कहीं घूमने चले जाओ। तो इसका मतलब है कि आदमी अपने ब्रेन को शिफ्ट करे। अब आते हैं मुद्दे। अब अगर सपोज करिए मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और 10,000 रुपए को फील करता हूं, और 10,000 रुपए की ही मेरी सोसाइटी है, और 10,000 रुपए के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे 1,00,000 रुपए अगर कमाना है तो मैं 1,00,000 रुपए कमाने के लिए कब सोचूंगा? जब उन्हीं 10,000 के कमाने वालों के बीच में जब रहूंगा तब, या मैं ऐसे किसी आदमी के पास मिलूं जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया महीना कमाने को सोच रहा हो और कमा रहा हो, तो हमारा माइंड कब शिफ्ट होगा? सेकंड ऑप्शन। अभी क्या है ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर से मिलके उसको कंपटीशन होता है। इसके पास तो मर्सिडीज एस क्लास है, तो मेरे पास तो मर्सिडीज सी क्लास है, अब मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए? उसका माइंड शिफ्ट हो गया एस क्लास पे। ठीक है, अब यस क्लास वाला की जो दोस्ती है वो अगर अच्छे लोगों से है, अगर उसकी दोस्ती कहीं चिरकुट लोगों से हो गई, तो वो यस क्लास बेच के वो सी क्लास पे आ जाएगा, और सी क्लास बेच के उस डिजायर पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी दोस्ती रॉल्स रॉयल वाले से हो गई तो वो बोलेगा ये इधर नहीं रुकने का, अब ये इधर जाने का, क्योंकि माइंड हमेशा शिफ्ट होता है। तो बहुत सारे लोग 80-85% लोग और आज हिंदुस्तान में आम जिंदगी जी रहे हैं, गरीब की जिंदगी जी रहे हैं। आज वो अपने जीवन में वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत शोहरत वो पैसा वो दौलत वो महीने की इनकम नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं, उनको जो जानकारी है वही जानकारी है, जो उनको जानना है वो नहीं जान रहे, जो उनको जानकारी है वही है, वो नहीं है जो उनको जानना चाहिए। जैसे आप आज मान लीजिए इनका ज्ञान जितना है, अगर ये किसी से सीख नहीं रहे तो जितना है उतना ही है, इनको वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान होना चाहिए। और जब तक वो ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञान होने से ये बड़ा होंगे, तब तक ये कभी बड़े नहीं होंगे जो अभी इनके पास ज्ञान है। ये सुनो, अगर आप क्लास 1 की पढ़ाई किए हो तो क्लास 2 का आपके अंदर ख्याल नहीं आएगा कि क्लास 2 में क्या पढ़ाया जाता है। ये सुनो, अगर बीए किए हो तो एमए का कोर्स आपको पता नहीं होगा, एमए कोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप जो जानते हैं वही आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वो आप नहीं जानते, और जो आप नहीं जानते हैं अगर वो आप नहीं जानेंगे तो आप वही हैं जो आप हैं। तो कितने लोग आप जो जानते हैं उससे और कुछ जानना चाहते हैं? अच्छा, आप अगर हाथ नहीं उठाएंगे और ताली नहीं बजाएंगे और मुस्कुराएंगे नहीं तो मेरी फीस मिल चुकी है, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं बिना एडवांस लिए डांस
करने जाता नहीं हूं, ठीक है। मैं पहले एडवांस मैसेज क्लियर, फिर मैं बोलता हूं सर ओके लेट ब्लॉक आऊंगा मैं, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी सुने कौन ना सुने, हमसे क्या लेना देना। बाद में बोले आप लोगों को मजा नहीं आया, तो मजा नहीं आया तो मेरी फीस तो कट जाएगी, तो मेरी 1,00,000 रुपए फीस है जो मैं पहले से ले चुका हूँ, इसीलिए अकाउंटेंट ने थोड़ा लेट किया था मेरी फीस देने में, इसीलिए इनका क्लास भी लगाया मैंने, ठीक है। तो मैं फीस ले चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ बहार, कुछ क्रांति, कुछ परिवर्तन आए और कुछ आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कुछ चेंज आए, तो उसके लिए आप सब लोगों को अटेंशन लेना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चे को हर महीने 5,000 रुपए फीस देते हैं। किस लिए? बेटा मेरा पढ़ेगा सीखेगा तो बड़ा बनेगा, ये जानो। और हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम महीने का 10,00,000 रुपए कमाएं, और हम क्या सीख रहे हैं आजकल कि जिससे मेरा 10,00,000 आए महीने का, ऐसा क्या सीख रहे हैं? किसी के पास जाते हैं सीखने, भैया बताओ मेरे पास जो खोपड़ी है इससे थोड़ा मेरा इजाफा करो जिससे मेरी जो इनकम है ये बढ़ जाए, ऐसा हम कहीं सीखते नहीं है। लेकिन फार्म कितना है कि 10,00,000 आ जाना चाहिए, और सीखना कुछ नहीं, और जो बचपन में सीखे थे जो पढ़ाई किए थे वो याद भी नहीं है, वो याद भी नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए इंग्लिश का 5वां चैप्टर का क्या नाम था, तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल के इंग्लिश के 5वें चैप्टर का नाम बता सकते हैं? शायद कोई नहीं, और अगर बता सकते तो उसमें लिखा क्या था वो भी पता नहीं। तुम सब लोग यहाँ पर फर्जी डिग्री वाले हो, क्योंकि आपको कुछ पता है ही नहीं, और अगर पता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या लेंगे आप बताओ? अगर जेब में 100 रुपए हो उसका एहसास ही ना हो कि 100 रुपए है, तो उसका कोई फायदा ले सकते हैं हम लोग? तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो मेरे दोस्त खुल करके सुनिए, मैं गारंटी लेता हूं कि इस हाल के बाहर जाने से पहले आपकी जिंदगी आज बदल के जाएगी, इसकी गारंटी अवधेश नारायण पांडे को। लेकिन आप बदल